सदफ आप देख रहे हैं सुहाना सफर। लोथियन कब्रिस्तान दिल्ली में स्थित है। ये कब्रिस्तान 200 साल से अधिक पुराना है। 1857 के विद्रोह के दौरान इसमें कई लोगों की कब्र बनाई गई। माना जाता है कि इसमें एक अंग्रेज सैनिक सर निकोलस की रूह भटकती है जो एक भारतीय महिला से प्रेम करता था। आइए देखते हैं सुहाना सफर की ये खास पेशकश। दिल्ली भारत की राजधानी है जिसके पास बताने के लिए कई सारी कहानियां हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी रोड़े हैं, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हैं, लोगों के लिए अच्छी जॉब्स हैं और कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी जगह हैं। जी हाँ, आप ये बात सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि दिल्ली भारत का अति प्राचीन नगर है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। दिल्ली शहर पर पहले मुगलों का वास रहा, उसके बाद विदेशी सरकार का। दिल्ली में रहने वाले लोग भले ही इसकी खूबसूरती और चकाचौंध में खो गए हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जो भूतिया हैं और वहाँ के बारे में लोग अपनी दिल दहलाने वाले अनुभव का खुलासा करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं दिल्ली में वह डरावनी जगह कौन सी है। लोथियन सेमेट्री, ये ईसाइयों का कब्रिस्तान है जहाँ पर कई तरह के भूतों की कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे सिर कटे हुए भूत की। बताया जाता है कि यह भूत अपने जमाने में एक जवान सिपाही था जिसकी प्रेमिका ने इसको ठुकरा दिया था, जिस वजह से इसने अपना सिर काट लिया। अब ये भूत अमावस्या की रात में यहाँ टहलता है। ये भूत अपनी प्रेमिका से बेहद प्यार करता था जो कि एक भारतीय महिला थी। तो जैसा कि आपने देखा, कब्रिस्तान का सच कुछ इस तरह था। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। देखते रहिए सुहाना सफर।